गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम अपना फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो हम फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, तो लास्ट लेक्चर तक हमने 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा हमने फ्लूइड के, जिसमें हमारा जो था मास डेंसिटी था, वेट डेंसिटी था, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और 5th था हमारा विस्कोसिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्यानता। तो श्यानता क्या होती है, हमारी एक तरीके से द्रव के गाढ़ेपन से रिलेटेड हो गई। कोई भी द्रव जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसकी श्यानता क्या होगी, हमारी उतनी ज़्यादा अधिक होगी। एग्जांपल बताया था, जैसे शहद हमारे ज़्यादा गाढ़ा होता है तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, हमारी ज़्यादा होगी पानी की अपेक्षा, क्योंकि पानी का गाढ़ापन हमारा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, फिर एक अगर हम फ्लूइड को जो है, कोई अगर हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उस हम अगर लेयर्स वाइज समझे, जैसे ये फ्लूइड की सबसे ऊपर वाली लेयर हो गई हमारी, ये दूसरी लेयर जो है फ्लूइड के उसके बराबर वाली लेयर हो गई, फिर ये तीसरी लेयर हो गई हमारी फ्लूइड की, ये चौथी लेयर हो गई, और ये फ्लूइड जो है हमारे एक सॉलिड सरफेस पे फ्लो कर रहा है, मतलब इसकी जो बाउंड्री है वो कैसी है, हमारी सॉलिड बाउंड्री है। ठीक है, और ये फ्लूइड जो है हमारा किसी वी वेलोसिटी से हमारा क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, जिसे वेग बोलते हैं। तो अगर ये वी वेलोसिटी से आगे फ्लो कर रहा है तो क्या करेगा कि नीचे ऊपर तो हमारा क्या है, एयर है, ऊपर जो है हमारी जो सबसे पहली वाली लेयर है वह हमारे किसके कॉन्टैक्ट में है, एटमोसफेयर के कॉन्टैक्ट में है, तो ऊपर हमारे क्या हो गया, एयर हो गई। तो जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो एयर तो कोई फ्रिक्शन लगाएगी नहीं इस पर। ठीक है, एयर के द्वारा जो हमारा फ्रिक्शन लग रहा है उसे हम क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। इसकी गति का जो विरोध करेगी वो उसके नीचे वाली जो बराबर वाली जो दूसरी लेयर है वो इसका गति का विरोध करेगी, और इसकी गति का विरोध करने के लिए, इसके मोशन को अपोज करने के लिए वो इस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर वाली जो फर्स्ट लेयर है वो सेकेंड लेयर भी आगे की तरफ मूव कर रही है, तो वो भी इस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी। तो मतलब दोनों लेयर एक दूसरे पे अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे का मोशन को अपोज करने के लिए, गति का विरोध करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। ऐसी सेकेंड लेयर थर्ड लेयर पे क्या करेगी, जब थर्ड लेयर जो है सेकेंड लेयर पे भी एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, जो इसकी गति का विरोध करेगी। सेकेंड लेयर जो है थर्ड लेयर पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। ठीक है, ऐसी थर्ड लेयर जो है फोर्थ लेयर पे जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, और फोर्थ लेयर थर्ड लेयर पे भी एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, जो इसकी गति का विरोध करेगी। ठीक है, फोर्स क्या हो गया, हमारा बल हो गया। ठीक है, और जब फोर्स को हम एरिया से डिवाइड कर देते हैं, क्षेत्रफल से, तो वो बन जाता है हमारा स्ट्रेस, जिसे हम बोलते हैं प्रतिबल। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट तो हमें पता है क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का क्या होता है हमारा, मीटर स्क्वायर, ये हमारे SI यूनिट हो गई। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब फोर्स हमारा किसी सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, जैसे ये कोई सरफेस हो गया मेरा, एग्जांपल लेते हैं, ये सरफेस है, इस सरफेस के अगर परपेंडिकुलर कोई मेरा फोर्स लग रहा है, तो इस तरह के फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, जो परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक है, और जो फोर्स हमारा सरफेस के पैरेलल लगता है, जो सरफेस पे लग रहा होगा फोर्स, उस फोर्स को बोलते हैं हम शियर फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो यहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है हमारा, ठीक है, और यूनिट क्या होती है, न्यूटन ही होगी, चाहे नॉर्मल फोर्स समझ में आ गया, जो परपेंडिकुलर लग रहा है, जो सरफेस के पैरेलल लग रहा है, जो सरफेस पे लग रहा है, वो बल हमारा क्या होगा, शियर फोर्स होगा। दोनों की यूनिट होगी सेम होगी, फोर्स से ही हमारा क्या आ जाता है, स्ट्रेस। तो शियर फोर्स से ही हमारा क्या आ जाएगा, शियर स्ट्रेस आ जाएगा। ये लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, शियर स्ट्रेस को हम किससे दिखाते हैं, टाउ से, और टाउ क्या हो जाएगा हमारा, जब शियर फोर्स को हम एरिया से डिवाइड कर देंगे, कौन सा एरिया, जिस सरफेस एरिया पे हमारा ये फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी ये जो लेयर एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रही है वो कौन सा फोर्स है हमारा,
शियर फोर्स है, और उसी फोर्स से हमारा क्या आएगा, शियर स्ट्रेस। तो एक तरीके से ये जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे पे क्या लगा रही हैं, एक स्ट्रेस लगा रही हैं, जिसे हम बोलेंगे शियर स्ट्रेस, और सिंबल क्या होगा, टाउ। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि हर एक लेयर जो है एक दूसरे के ऊपर एक ऐसा फोर्स लगाएगी जो उसके मोशन का जो है अपोज करेगी, उसके गति का आगे बढ़ने से उसे रोकेगी। तो वो फोर्स को हम बोल देंगे शियर फोर्स, और शियर फोर्स से ही हमारा क्या आ जाता है, शियर स्ट्रेस आ जाता है। तो एक तरीके से हर एक लेयर एक दूसरे पे एक शियर स्ट्रेस लगा रही है, वो भी उसके गति के विपरीत दिशा में लगा रही है। दूसरा समझते हैं, जब ये पहली लेयर पे तो एक ही फोर्स आ रहा है क्योंकि ऊपर तो एयर है, तो यहाँ कम फोर्स लग रहा है, कम स्ट्रेस आ रहा है, शियर स्ट्रेस। लेकिन दूसरी लेयर पे पहली वाली लेयर से भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, और तीसरी लेयर से भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ फोर्स हमारा क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी वेलोसिटी जो है ऊपर वाली लेयर से नीचे की तरफ हमारी क्या होगी, घटती रहेगी। तो इसका अगर हम वेलोसिटी का प्रोफाइल बनाएं, वेग का प्रोफाइल बनाएं, तो क्या होगा, हमारा जो बाउंड्री होगी, जो सॉलिड बाउंड्री होगी जिससे टच होता हुआ हमारे हमारा द्रव बह रहा होगा, उस वाली लेयर की वेलोसिटी होगी हमारी जीरो। जो सतह से कॉन्टैक्ट करता हुआ हमारा लेयर है उसकी वेलोसिटी होगी हमारी जीरो। तो इसका मतलब यहाँ से हमारी वेलोसिटी जीरो है, और धीरे धीरे ऊपर जैसे बढ़ेगी डेप्थ, अगर इस डेप्थ को मैं वाई मान लेता हूँ, तो वाई डेप्थ पे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, और सबसे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी हमारी क्या होगी, फ्लूइड की, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस समय ये समझ में आया कि फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो डेप्थ के अकॉर्डिंग क्या होगी हमारी, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे घटती जाएगी, और जिस सरफेस से वो टच करती हुई लेयर जा रही है वहाँ पे वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी हुई, ऊपर वाली लेयर की, तो वो वेलोसिटी हमने मान ली यू प्लस डी यू। ठीक है, सेकेंड लेयर की वेलोसिटी हमने कितनी मान ली, यू। ठीक है, और इन दोनों लेयर के बीच की डेप्थ मान ली हमने डी वाई। तो डी वाई डेप्थ में हमारा डी वाई डेप्थ का अगर डिफरेंस आता है तो हमारी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी यू प्लस डी यू, और नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी यू, तो कितनी इंक्रीज हो गई हमारी वेलोसिटी, इस वाली वेलोसिटी से इसे घटा देंगे तो खाली क्या बचेगा, डी यू। मतलब डी वाई डेप्थ में हमारे डी यू वेलोसिटी का इंक्रीज हो जा रहा है। तो इसे हम बोलते हैं वेग प्रवणता, इंग्लिश में बोलते हैं इसे वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेप्थ के अकॉर्डिंग हमारे वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है वो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो डी वाई डेप्थ में हमारी कितनी वेलोसिटी बढ़ जा रही है, यू प्लस डी यू माइनस यू, मतलब डी यू अपॉन डी वाई, इतनी वेलोसिटी हमारी बढ़ जा रही है। तो ये हमारी होगी वेलोसिटी ग्रेडियंट, या वेग प्रवणता, या दूसरा नाम होता है इसका रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है विकृति, कोई भी फोर्स आने पर किसी द्रव किस शेप में क्या फर्क आ रहा है, आकार में क्या अंतर आ रहा है, वो हमारा स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया वो डी यू अपॉन डी वाई हो गया, और किस फोर्स की वजह से आ रहा है, ये शियर फोर्स की वजह से, टाउ की वजह से। तो न्यूटन ने जो हमारा लॉ दिया था वो हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था, क्या था, न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा शियर स्ट्रेस होगा दो फ्लूइड की दो लेयरों के बीच में, टाउ, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब डी यू अपॉन डी वाई। और डी यू अपॉन डी वाई के बीच में जो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे एक कोएफिशिएंट आ जाता है म्यू, और ये म्यू को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब श्यानता गुणांक। तो यहाँ तक हमारा लास्ट लेक्चर का जो है ये हो गया था, हमें समझ में आ गया था कि विस्कोसिटी क्या होती है और हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग क्या है, हमारी फ्लूइड की लेयर्स के बीच में जो लगने वाला जो हमारा शियर स्ट्रेस है वो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। जब प्रोपोर्शनलिटी का मार्क हटाएंगे तो वहाँ पर हमारा एक म्यू आएगा, और म्यू को हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब श्यानता गुणांक। ठीक है, तो म्यू क्या है, हमारा श्यानता गुणांक। अब म्यू से आगे की कहानी चलती है कि दो टाइप के हमारे फ्लूइड हो गए,
एक होता है न्यूटोनियन फ्लूड, दूसरा होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। तो जो फ्लूड हमारे इस लॉ को फॉलो करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को, उसको न्यूटोनियन फ्लूड बोलेंगे। और जो लॉ हमारे लॉज जो फ्लूड हमारे जो है इस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे नॉन न्यूटन, तो उन्हें हम बोलेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फ्लूड हमारे इस को फॉलो करेंगे कि टाउ प्रोपोर्शनल किसका होता है डी यू अपॉन डी वाई, वो फ्लूड न्यूटोनियन फ्लूड होंगे। जो इसको फॉलो नहीं करेंगे वो हमारे क्या होंगे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला आ गया, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। अब इसकी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम तो श्यानता की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ हमारा पूरा फोकस किस पे होगा, म्यू पे, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, श्यानता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ से हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो है मात्रक निकालेंगे, म्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, एम के एस में भी निकालेंगे और सी जी एस में भी निकालेंगे। और म्यू क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये हमारा क्या हो गया, म्यू हो गया, जिसे हम बोलते हैं श्यानता गुणांक। ठीक है, अब टाउ क्या है हमारा, शियर स्ट्रेस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या, कर्तन प्रतिबल। और डी यू अपॉन डी वाई क्या है हमारा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वेग प्रवणता। ठीक है, अब टाउ को हम क्या लिख सकते हैं, टाउ क्या है, सीयर स्ट्रेस है, जो किससे आता है हमारा, सीयर फोर्स अपॉन एरिया से। तो टाउ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, और डी यू अपॉन डी वाई हमारा ऐसे ही रहेगा। अब फोर्स अपॉन एरिया, डी वाई हमारा ऊपर चला जाएगा और डी यू नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है, अब हम इसके यूनिट निकालना है, तो सबकी यूनिट हमें अलग अलग पता होनी चाहिए कि एफ की यूनिट फोर्स की यूनिट क्या होगी, एरिया हो गया हमारा, एरिया की यूनिट क्या होगी, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, डी वाई मतलब डेप्थ, गहराई, गहराई का मात्रक क्या होगा, और डी यू मतलब हमारा वेलोसिटी, कि वेलोसिटी का मात्रक क्या होगा हमारा। तो फोर्स का यूनिट हमें पता है, ऐसा ही यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन, न्यूटन को दिखाते हैं हम एन से, तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक हो गया हमारा मीटर स्क्वायर। डी वाई क्या है, डेप्थ, गहराई, गहराई का मात्रक क्या हो गया हमारा, मीटर। डी यू क्या है, वेलोसिटी, वेग बोलते हैं जिसे हम, डी यू है हमारी वेलोसिटी, जिसे बोलेंगे हम वेग। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर अपॉन सेकंड, अपॉन में सेकंड आएगा, मीटर अपॉन सेकंड हो गया। अब मीटर से ये वाला मीटर कैंसिल हो गया, तो हमारे नीचे क्या बचा, न्यूटन पर मीटर इनटू मीटर पर सेकंड, ये सेकंड हमारा ऊपर चला जाएगा। तो क्या यूनिट आ गई हमारी इसकी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसा ही यूनिट आ गई हमारी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसकी सी जी एस यूनिट निकालेंगे, तो सी जी एस यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, सी जी एस में हमारा क्या हो जाएगा, सी जी एस में हमारी फोर्स की यूनिट क्या होती है, एसआई में तो न्यूटन हो गई, सी जी एस में होती है हमारी डाइन। टाइम की यूनिट दोनों में सेम होती है, एसआई में भी और सी जी एस में भी सेकेंड। और मीटर, एसआई में मीटर होती है लेंथ की यूनिट, सी जी एस में क्या होती है, सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या हो गई,
ये हो गई हमारी सी जी एस में 10 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को हम क्या बोल देते हैं? पॉइज़। तो इसका मतलब क्या हुआ? वन पॉइज़ इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 10 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर सी जी एस। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब श्यानता गुणांक का मातृक क्या होगा, ऐसा ही यूनिट में पूछता है, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सी जी एस में क्या होगा? 10 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? पॉइज़। ठीक है, तो सी जी एस में हम दो चीज़ बोल सकते हैं, या तो पॉइज़ बोल सकते हैं या 10 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर एम के एस में एस आई में पूछता है तो क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाता है, और हमारे न्यूमेरिकल में भी इसका यूज़ होगा यूनिट्स का जो है, तो ये यूनिट्स हमें याद होनी चाहिए एस आई में भी और सी जी एस में भी। तो हमेशा याद रखना है कि म्यू जो है हमारी, इसको म्यू को जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं या डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी का अगर हमसे मात्रक पूछता है तो हमें दोनों याद होने चाहिए, एस आई में न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और सी जी एस में 10 सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या उसी को हम क्या बोल देते हैं? वन पॉइज। ठीक है, और 1 डे का पॉइज दे दिया है अगर हमें कहीं क्वेश्चन में, तो 1 डे का पॉइज हमारे किसके बराबर होगा? 10 पॉइज के बराबर होता है। तो ये यूनिट्स का हमें जो है पता होना चाहिए। इसे अगर इसे हमें चेंज करना है 10 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में, तो चेंज कर सकते हैं इसे, यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए उसके लिए हमें। तो यूनिट की बात करते हैं, तो अभी हमें पता चला डायनेमिक विस्कोसिटी का जो यूनिट होगा, डायनेमिक विस्कोसिटी या जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोल रहे हैं, एसआई में क्या हो गया? न्यूटन।